वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7, दिस इज़ जॉली टीचर एंड टुडे आई विल नॉट गिव यू एनी टाइप ऑफ नोट्स टू राइट. सो टुडे वी विल डू वन असाइनमेंट फ्रॉम लेसन नंबर टू फ्रॉम हिस्ट्री टेक्स्ट बुक. ओके, बट बिफोर गिविंग असाइनमेंट लेट मी क्लियर यू फर्स्ट. You have to read the whole lesson properly. See students, ऐसा नहीं है कि आप मैं जो notes दे रही हूँ you have to by heart that notes only. अभी इस time में जो भी, जैसे कि आपको पता है कि lockdowns चल रहा है, school बंद है, तो आप आगे जो test papers आएंगे या जो assignments दिया जाएगा that will be all over on objective answers. ठीक है, अब वो ऑब्जेक्टिव आंसर कौन से लेसन से आएगा या कौन से पैराग्राफ से आएगा या कैसे आएगा, दैट वी कैन टेल यू. इज दैट क्लियर? सो द बेस्ट थिंग इज यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक. आप जैसे टाइम मिलता है, वन टाइम, टू टाइम, थ्राइस टाइम, यू जस्ट गो विद द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में से कोई भी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. इट विल बी अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, लाइक फिल इन द ब्लैंक, आंसर इन वन वर्ड, ऑड मैन आउट और टाइम लाइन. ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर्स विल बी देयर फॉर यू. एंड वन थिंग लेट मी क्लियर यू, एग्जाम ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. जो भी हमने इस एकेडमिक ईयर में करवाया है आपको ऑनलाइन थ्रू, ऑनलाइन इन इन ऐप, जियॉन ऐप में जो भी हमने नोट्स दिया है या आपको वीडियो लिंक दिया है, वहाँ से कोई भी प्लेस से हम आपको असाइनमेंट पेपर थ्रो आउट कर सकते हैं. और उसी पेपर के बेस पर जो टेस्ट पेपर हम देंगे आपको करने के लिए या दे रहे हैं, उसी बेस पर हम आपका मार्क्स अटेंड करेंगे. सो डोंट थिंक दैट टीचर विल नॉट चेक योर वर्क, या टीचर ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रही है तो उनको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा. डोंट थिंक दैट. इवन वी आर जस्ट लुकिंग जियॉन ऐप के ऊपर, हम टीचर्स के पास व्यूज आता है कि कितने बच्चों ने वो पढ़ा है, देखा है, नोटेड डाउन किया है. सो डोंट थिंक दैट वी आर नॉट जजिंग यू और वी आर नॉट लिसनिंग यू. इज दैट क्लियर? बट क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देख रही हूँ, 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स स्पेशली, देर आर 70 क्रॉस स्टूडेंट्स इन अ क्लास, बट हार्डली 20-25 स्टूडेंट्स की व्यू मुझे मिल रही है. सो वेरी बैड, दैट इज लिटरली वेरी बैड. एंड द अदर्स यू ऑल विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ मार्क्स, असेसमेंट मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, असेसमेंट मार्क्स आपको नहीं मिलेगा. सो बेटर कंप्लीट योर नोट्स, कंप्लीट योर नोटबुक एंड स्पेशली कंप्लीट द असाइनमेंट दैट टीचर्स आर प्रोवाइडिंग यू. आपको आपकी क्लास टीचर प्लस सब्जेक्ट टीचर्स जितने असाइनमेंट दे रहे हैं, टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, दैट यू हैव टू कंप्लीट इट एंड कीप इट विथ यू. अंडरस्टूड? सो हियर इज वन टेस्ट फ्रॉम लेसन नंबर 2 फ्रॉम हिस्ट्री बुक. ओके, सी दिस इज अ हिस्ट्री असाइनमेंट and all the notes, all the assignment is only from your textbook, so you don't have to take any other book with you. सिर्फ textbook आपको पढ़ना है, थरो करना है और उसी में से आंसर आपको find out करके लिखना है, and even you have to by heart that. Is that clear? Brief answers are not there, objective answers पूछा जाएगा, MCQ questions पूछा जाएगा, match the following, odd man out, टाइमलाइन, ऐसे सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके लेसन के बीच में से पूछा जाएगा. सो दिस इज योर असाइनमेंट विच यू हैव टू राइट डाउन. सी
Complete the following sentence by choosing the appropriate word from the option given below. First one, can you see? Pal in the dash was a famous dynasty in Bengal. You don't have to write this option. You have to search the answer from the option and write in the blanks. Understood? Now next one. Second one. Prithviraj Chauhan belongs to a dash dynasty. Again, you have to find the answer from these three and you have to write in the blanks. Understood? Third one. The dash period is considered to be a golden period of Marathi language. Fourth one. In the 11th century CE, the dash began to invade India and reach the northwestern frontier of India. Fifth one, dash was the last sultan and he was defeated by Babur, bringing the sultanate to an end. Sixth one, Hampi is today's dash was the capital of the kingdom of Vijayanagar. Seventh one, Krishna Devraya wrote Amuktalam Yad, a Telugu compendium on dash. Eighth one, dash was the first sultan of Bahamani kingdom. Ninth one, in dash, the Sultanate of Delhi came to an end. Tenth one, dash was the governor of Punjab under the Sultanate. 11th one, dash was the most powerful king of the Mughal dynasty. 12th one, the struggle of Gondwana queen Durgavati against Mughal is important in dash history. 13th one, dash became the emperor of 1658 CE. Okay, this is your question number 1. This is question number 2. See, name the following. The workari movement emerged in this period. कौन सा वर्करी मूवमेंट है वो आपका आंसर लिखना है. कैन यू सी? यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आपको आंसर लिखना है और यहाँ पे आंसर लिख के यहाँ पे परफेक्ट आंसर आपको लिखना है. लीव वन लाइन, राइट? नेक्स्ट वन, द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज. थर्ड वन, द अहम्स यूनाइटेड हिज लीडरशिप. Fourth one, the Maharashtra Swaraj was established under his leadership. Fifth one, he defeated the army of the Sultan of Delhi. Sixth one, two important dynasties among the Rajput dynasty in North India. Okay. Seventh one, the power which began to invade India in 11th century AD. Eighth one, the Hazar Ram Temple and Vittal Temple were built in Vijayanagar during this reign. Ninth one, the Queen of Gondwana. Tenth one, the founder of Mughal dynasty. So, this is your second question. Okay, now see here, this is your third question. Complete the following timeline. Now what is timeline? Chronological order किस तरीके से हम लोग करते हैं, लिखते हैं, उसी तरीके से आपको timeline बनाना है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है establishment of Bahamani kingdom, establishment of Vijayanagar kingdom, establishment of Mughal power,
कृष्णदेव राय असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर। अब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में क्या करते हो, एक के बाद आप परफेक्टली ऑर्डर करके लिखते हो, बट टाइम लाइन इज नॉट लाइक दैट। सी आई एम शोइंग यू, यू हैव टू राइट टाइम लाइन, ओके। और आपको इस तरीके से चार बॉक्स बना लेना है, बिकॉज ओनली द फोर क्वेश्चंस आर गिवन हियर, ठीक है। अब इस बॉक्स में यू हैव टू राइट द डेट विच बी सी और विच सी ई में ये हुआ था, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बहामनी किंगडम कब हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके पहले कौन सा डेट आता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल पावर फर्स्ट हुआ, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बहामनी किंगडम फर्स्ट हुआ, या कृष्णदेव राय असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर, ये पहला आएगा। तो आपको ऑर्डर्स में लिखना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो डेट लिखना है, एरो मार्क्स लिख के यहाँ पे आपको जो भी आएगा, जैसे सोचिए फर्स्ट में आपको ये आया, कृष्णदेव राय असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर, तो फर्स्ट बॉक्स में वो डेट आएगा और यहाँ पे आपको सेम एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर सेकेंड बॉक्स अभी यहाँ पे प्लेस नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट एरो हियर एंड यू विल राइट हियर। थर्ड वन में अगेन यू विल पुट एरो और थर्ड वाला यहाँ लिखोगे, फोर्थ में यू विल पुट एरो हियर। सो दिस इज अ टाइम लाइन, तो इसे क्या कहते हैं, टाइम लाइन, अंडरस्टूड, यू हैव टू प्रिपेयर अ टाइम लाइन, गॉट इट स्टूडेंट। सो दिस इज योर असाइनमेंट, इट विल कैरी मार्क्स पर ईच आंसर वन मार्क्स, ओके, इट विल कैरी मार्क्स एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू हाउ यू कैन कम्प्लीट दिस एंड हाउ यू हैव टू सेंड मी, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो फिलहाल आपको इतना करना है, ओके स्टूडेंट्स। होप सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ असाइनमेंट, ठीक है। और माइंड इट, यू हैव टू कम्प्लीट ऑल द नोट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको ये सारे नोट्स जो भी आपके क्लास टीचर्स या सब्जेक्ट टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे नोट्स आपको लिखने हैं, आपको असाइनमेंट बनाना है और अपने पास स्टोर करना है। व्हेनेवर वी विल आस्क यू फॉर असाइनमेंट, यू हैव टू सबमिट इट एज सून एज पॉसिबल। अब आप कहेंगे कि आप सबमिशन कैसे करें या आप सबमिशन कैसे करोगे, तो वो भी डेट हम आपको बताएंगे कि आपको कब सबमिट करना है और किस तरीके से सबमिट करना है, व्हाट्सएप में सबमिट करना है और अनदर ऐप्स वी विल प्रोवाइड यू। तो बहुत जल्द, और ये जो असाइनमेंट हम दे रहे हैं या नोट्स हम दे रहे हैं, इट हैज़ मार्क्स, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि ये सारे असाइनमेंट्स के ऊपर मार्क्स है, एंड बाय कैलकुलेशन ऑफ ऑल दैट नोट्स एंड असाइनमेंट हम आपको इंटरनल मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। तो वेन एवर द स्कूल विल रीओपन, यू विल गेट दैट मार्क्स, इंटरनल मार्क्स, अंडरस्टूड। और वही एवरेज के साथ हम आपके सामने लाएंगे। सो डोंट थिंक दैट जस्ट दिस थिंग्स आर यूजलेस कि टीचर्स नोट दे रही है, हम करें तो करें और ना करें तो ना करें, तो ये आपका लॉस होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट मार्क्स आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। एंड द व्यूज़ विच आई एम लुकिंग इन जियोन ऐप्स, जो व्यूज़ मैं देख रही हूँ, देर आर ओनली 25-30 स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग, जो लोग जियोन ऐप्स नहीं डाउनलोड किए हैं या दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ और जियोन ऐप्स में नोट्स कवर अप नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे, तो माइंड इट, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, आपको मार्क्स, इंटरनल मार्क्स नहीं दिया जाएगा। लेट मी टेल यू अगेन एंड अगेन, मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ और वापस बोल रही हूँ कि ये सारे चीज़ आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि यही सारे नोट्स और असाइनमेंट्स आपको इंटरनल मार्क्स कवर करने के लिए हेल्प करेगा।
अंडरस्टूड स्टूडेंट्स एंड आई विल प्रोवाइड यू वन ऐप्स. आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में एक ऐप्स डाउनलोड करना है, दैट इज एडोब स्कैन, CADOBE, एडोब स्कैन. ये आपके मोबाइल में प्ले स्टोर के थ्रू से डाउनलोड करना है. इज़ दैट क्लियर? और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जीमेल एड्रेस मांगेगा जो आपके ऑलरेडी फ़ोन्स में है, तो वो जीमेल एड्रेस आपको अटैच कर लेना है इन दिस इस ऐप्स के ऊपर. इज़ दैट क्लियर? एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, जो भी असाइनमेंट्स आप कर रहे हो या करके रख रहे हो, देयर इज़ इतना स्टोरेज हमारे फ़ोन में नहीं होता है कि हम सब रख दे, तो ये आपको क्या करना है, पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके रखना है. नाउ यू विल टेल हाउ टू डू पीडीएफ फाइल. तो उसके लिए आपको एडोब स्कैन आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है. तो ये स्कैनर आप डाउनलोड जैसे ही कर लोगे और जो भी असाइनमेंट आप करोगे ये एडोब स्कैन के थ्रू से आप ये ऐप्स ओपन करोगे और वहाँ पे आपको डिटेल्स आएगा, जैसे कैमरा गैलरी व्हाटएवर. तो गैलरी से आप अपने पिक्चर क्लिक करके, यानी अपने जो नोट्स बनाया है, जो असाइनमेंट बनाया है, वो असाइनमेंट्स का पिक्चर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके ये ऐप्स में आपको रखना है. जैसे ही आप सेव करोगे ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ फाइल. एक लिंक आ जाएगा, एक पीडीएफ फाइल आ जाएगा, तो वो पीडीएफ फाइल आपको हमें भेजना है. इज दैट क्लियर? अब कैसे भेजना है, क्या करना है, दैट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड. लेट फिलहाल आपको ये असाइनमेंट स्टोर करके रखना है. क्लियर स्टूडेंट्स? हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, आंसर शुड बी रिटन वंस, स्क्रिबल नहीं होना चाहिए और बहुत सोच समझ के आपको आंसर लिखना है. और वन मोर थिंग, अगर आप सोचते हो कि मैं बुक्स में से देख के लिख लूँगा या लिख लूँगी एंड टीचर विल नॉट अंडरस्टैंड, तो माइंड इट, टीचर्स आर मोर क्लेवर देन यू. अंडरस्टूड? तो टीचर्स को समझता है कि उनके कौन से बच्चे या कौन से स्टूडेंट्स किस तरीके से स्टडीज़ कर रहे हैं. एंड ऑन द ऐप्स आई एम गोइंग थ्रू विथ ऑल द स्टूडेंट्स, सो बी केयरफुल वाइल यू आर राइटिंग द आंसर, डोंट कॉपी. हाँ, आप बुक्स पढ़ के, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डोंट टेक द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक. ऑफकोर्स यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक रीड कीजिए वंस ट्वाइस थ्राइस, जितना हो सके टेक्स्ट बुक आप रीड कीजिए, तो ऑटोमेटिकली यू कैन आंसर द एवरी यू कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन गिवन इन अ असाइनमेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो कैरी ऑन विद द असाइनमेंट. एंड वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, दोज स्टूडेंट हु डोंट हैव ज़ियोन ऐप्स, ओके, दोज स्टूडेंट्स हु डोंट हैव ज़ियोन ऐप, दे हैव टू आस्क सर फॉर द सेम थिंग. यू हैव टू आस्क सर फॉर योर ऐप्स. नाउ हाउ यू विल आस्क? ओके, नाउ सी, फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड ज़ियोन ऐप्स. आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि आपको ज़ियोन ऐप्स डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से. एंड आस्क सर फॉर आईडी एंड पासवर्ड. ठीक है, हाँ, जो सर है, संतोष सर है, उनको आप व्हाट्सएप कीजिए. उनके व्हाट्सएप नंबर में जस्ट थ्रो अ मैसेज टू हिम विथ योर नेम एंड स्टैंडर्ड. आपको इस नंबर में उनको व्हाट्सएप करना है, 9869363913. अंडरस्टूड? टू गेट योर आईडी एंड पासवर्ड. एंड इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही आईडी के थ्रू से, यही जो आपका ज़ियोन ऐप से, उसमें जितने नोट्स कवर अप हो रहे हैं वो नोट्स के थ्रू से ही आपको इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा. इवन वी कैन टेक द एग्ज़ाम थ्रू दैट ऐप. सो बेटर डाउनलोड द ऐप एंड कंप्लीट योर वर्क. टिल देन थैंक यू. I will catch you on the next period.